हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको स्क्वायर योक जो हम बनाते हैं फ्रॉक स्वेटर बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, तो वो मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी 3 से लेकर एडल्ट साइज तक। तो बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको 3 ईयर का बनाना है तो कितने फंदे लेने हैं या 4 ईयर का बनाना है तो कितने फंदे लेने हैं, तो इसलिए मैं आज आपको 3 से लेकर एडल्ट साइज तक बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसके लिए चेन्स बनानी है। मैं ये जो साइज बना रही हूँ वो 3 ईयर का बना रही हूँ। पहले मैं थोड़ा चेन्स बना के फिर जब आगे हम डिवाइड करेंगे तो मैं आपको और भी आगे के नाप बताऊंगी। तो पहले हम ये जो मैंने क्रोशिया लिया है 3.50 mm का, और अगर आप क्रोशिया छोटा या बड़ा लेते हैं तो ये जो मैं चेन्स बता रही हूँ आपको इसमें अंतर आ सकता है। और ये जो मैंने सर्च किया है ये नेट से ही सर्च किया है नाप, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इससे आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। तो देखिए, इसके लिए मैं बनाऊँगी 72 चेन्स बना रही हूँ, तो मैं आगे आपको और भी नाप बताऊँगी। तो मैं 72 चेन्स बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 72 चेन्स बना ली हैं। तो आप जितनी भी आपको लेनी है आप सारी चेन्स बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2, और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, और जो फोर्थ वाला स्टिच है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये जो चैन 3 है ये हमारा 1 डबल क्रोशिया है, ये देखिए। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप जैसे आप ये हम बना रहे हैं डबल क्रोशिया, अगर आप डबल क्रोशिया ही वाली रो ही बनाएंगे तो आपके 72 स्टिचेस ही रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो ये परफेक्ट नाप है, आपने बना लिया। उसके बाद आप 2 चेन्स बनाएंगे और 3 चेन्स काउंट करके फोर्थ वाली चेन्स में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3 4, तो मैं 11 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे बताऊँगी। तो ये देखिए, 11 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, चैन 1 बनाएंगे, और देखिए दूसरे वाले जो इसके जस्ट पास वाले स्टिच से हम 1 डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। और ये हमारा सामने का हिस्सा है, अब ये हमारे शोल्डर हैं। तो यहाँ पर हमें 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये वाला जो स्टिच है इसको हम काउंट करेंगे और इसको मिला के हम 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं लास्ट तक बना लेती हूँ 14, उसके बाद हम आगे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये शोल्डर पे हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। वापस से चैन 1 बनाएंगे और उसके जस्ट पास वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा आगे का आधा हिस्सा है, आधा हम इस तरफ से आएंगे जब यहाँ बनाएंगे। ये हमारे शोल्डर हैं, यहाँ पे हमने 14 रखे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 11 रखे हैं तो इसके डबल हमारे पीछे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे मैं इस वाले स्टिच को काउंट करके 22 स्टिचेस बना लूंगी, उसके बाद हम आगे बनाएंगे। तो हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। तो ये देखिए, मैंने ये 22 स्टिचेस बना लिए हैं पीछे की तरफ। अब वापस हम चैन 1 बनाएंगे और देखिए इसके अगले स्टिच में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो अब बनाएंगे हम, ये हमारा सेकेंड वाला शोल्डर होगा। तो यहाँ पे हमने 14 बनाए हैं, तो यहाँ पे भी हमें 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये जो फर्स्ट बनाया है मैंने, इसको मिला के हम 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं 14 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, तो उसके बाद हम दूसरा आगे वाला हिस्सा बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ये 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये चैन का स्पेस ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन हम जब आके आएंगे वापस से तो ठीक से बनाएंगे तो इसमें दिखने लगेगा, ये अभी ज़्यादा दिख नहीं रहा। अब चैन 1 बनाएंगे और देखिए अगले वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 11 स्टिचेस ही बचने चाहिए। शुरू में भी हमारे पास जो हमने शुरू में बनाए थे ये हाफ 11 स्टिचेस थे, तो ये दोनों मिला के 22 होंगे। अगर आपके कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो या तो आपने चैन की काउंटिंग में कुछ गलती कर रखी है या फिर आपने यहाँ पे कहीं स्टिचेस कम या ज़्यादा कर रखे हैं, ठीक है। तो इसको मैं लास्ट तक बना लूँगी। तो ये देखिए, मैंने लास्ट की 11 डबल क्रोशिया भी बना लिया। तो ये देखिए, मैंने बना लिया है लास्ट में, और ये देखिए इस तरीके से आया है। तो ये तो 3 ईयर के लिए बताया है मैंने आपको। अब मैं आगे के नाप आपको बता देती हूँ।
तो देखिए अगर आप 4 या 5 ईयर के बच्चे के लिए बनाएंगे, 4 और 5 का सेम ही नाप रहेगा। तो देखिए आप लेंगे 80 चेन्स, 12, 12 दोनों तरफ सामने से हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो 12 यहाँ, 16 दोनों शोल्डर पे और 24 पीछे की तरफ। तो ये 12, 12, 24 होते हैं। अगर आप बना रहे हैं 6 to 7 ईयर, 6 और 7 दोनों का, तो आप 86 चेन्स लेंगे, 13, 13 दोनों तरफ आएंगी, 17 शोल्डर पे आएंगे और 26 पीछे की तरफ आएंगे। सामने यहाँ पे हमें पीछे और सामने इवन नंबर लेना होता है जिससे ये डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो पाए। अगर आप यहाँ पे ऑड नंबर ले लेंगे तो यहाँ पे एक तरफ ज़्यादा होगा, एक तरफ कम होगा। तो आप यहाँ पे जो पीछे का आपको नंबर देखना है वो इवन नंबर ही होना चाहिए। तो ये देखिए 26 है, तो 13, 13 दोनों तरफ, 17 या आर्म होल पे और 26 पीछे की तरफ। अगर आप 8 to 9 ईयर के लिए बनाएंगे तो 92 चेन्स लेंगे, 14, 14 दोनों तरफ, 18, 18 हम यहाँ आर्म होल पे लेंगे और इसके डबल 28 हम पीछे की तरफ लेंगे। 10 to 11 ईयर के लिए बनाएंगे तो 100 चेन्स लेंगे, 15, 15 दोनों तरफ और 20, 20 शोल्डर पे और 30 पीछे की तरफ। और अगर आप बना रहे हैं कि 12 to 13 ईयर के लिए तो आप 106 चैन लेंगे, 16, 16 दोनों तरफ लेंगे, 21 आर्म होल पे लेंगे और ये 32 चैन्स हम लेंगे पीछे की तरफ। अगर आप 14, 15 ईयर के बच्चे के लिए बनाएंगे तो देखिए आप 114 चैन्स लेंगे, 17, 17 आगे की तरफ लेंगे दोनों तरफ, फ्रंट का जो हिस्सा होता है हमारा, 23, 23 शोल्डर पे लेंगे और 34 हम इसके डबल पीछे की तरफ लेंगे। और यही 16 ईयर के लिए बता रही हूँ मैं आपको, 120 चेन्स लेंगे, 18, 18 हम सामने की तरफ लेंगे, 24, 24 लेंगे शोल्डर पे और 26 हम पीछे की तरफ लेंगे, 36 लेंगे, सॉरी यहाँ 36 आएगा, मैं गलती से 26 लिख दिया, तो 18 इसके डबल 36 यहाँ लेंगे। अब मैं आपको एडल्ट साइज बता रही हूँ। एडल्ट में आप क्या करेंगे, गले पे चैन नाप लेंगे, पहले अपने गला नापने के बाद आपको जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से चैन्स बना लेंगे। चैन आपको इवन नंबर में ही लेनी है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या करेंगे, ये हमारा 120 है जैसे, तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका एक दो नंबर ज़्यादा आते हैं, आपको एक ज़्यादा लेना ही नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास इवन नंबर हो और टू ही नंबर एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको चांस बढ़ा लेनी है या कम कर लेनी है, आपको 3 या 4 नंबर आगे हो सकते हैं, 3 या 1 नंबर आपको रखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो यहाँ पे हमारे ये शेप खराब हो जाएंगे। एक नंबर को हम, एक जो स्टिच होगा उसको हम कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते इसमें, नहीं तो आगे पीछे के भी नहीं कर सकते, शोल्डर पे भी नहीं कर सकते। तो या तो आपके 2 एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो अगर 2 एक्स्ट्रा हैं, जैसे अगर आपके होते हैं 122 चेन्स हो रहे हैं, तो आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया और जो 2 चेन्स हैं वो आपने अलग रख दिए, ठीक है। अब हम 20 को 6 हिस्से करते हैं, उसके 6 से मल्टीप्लाई किया हमने 120 को तो 20 आया, तो 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो हमें क्या करना होता है, देखिए 2 हिस्से हम पीछे की तरफ रखते हैं, जितने भी नंबर हैं 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, 6 हिस्से कर लिए इसके, तो 2 तो हम पीछे की तरफ रखेंगे और एक एक हिस्सा हम यहाँ रखेंगे साइड आर्म होल पे, और अगर हम आगे से खुला बना रहे हैं तो एक एक हिस्सा ही हम यहाँ पे सामने की तरफ रखेंगे। तो देखिए ये कुल 6 पोर्शन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो देखिए यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे भी 20 और 20 आएगा। अगर आपके 2 एक्स्ट्रा होते हैं तो आप सिर्फ उनको आर्म होल पे ही रख सकते हैं, इस वाले स्टिच, इस वाले जो हम योग बनाते हैं उनको आर्म होल पे आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं। जैसे आपके 2 एक्स्ट्रा हैं तो आप यहाँ पे 21, 21 कर सकते हैं। तो ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो बस अब मैं आपको आगे आर्म होल जब हम ये बना लेंगे तो इसके बाद योग की लंबाई कितनी लेनी होती है और चेस्ट कितनी लेनी होती है ये बताऊंगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3 और इसको इस तरफ पलटेंगे। और देखिए हमें इस वाले स्टिच में जस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, यहाँ से बनाना शुरू करना है। तो यहाँ से हम
हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ नहीं बनाना है, यहीं तो यहाँ पे टू हो जाएंगे। तो यहाँ जहाँ पे हमारा चैन वन का स्पेस है वहाँ तक मैं डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा चैन वन का स्पेस है, मैंने यहाँ तक बना लिया। अब देखिए, इस पर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ बीच वाले स्पेस में आ जाएंगे, चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और वापस इसी में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया बनाया, फिर चैन वन और फिर वन डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हम वापस से स्टिच बनाना शुरू करेंगे जस्ट पास वाले स्टिच से। ये देखिए, यहाँ से स्टिच बनाया शुरू, और हर जो कोना है चैन वन का स्पेस है हमें वहां पर, देखिए यहां तक स्टिच बनाएंगे हर स्टिच में। ये वाला स्टिच है, देखिए यहां तक, तो इसके बीच में वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर यहां पे देखिए, यहां से स्टिच वापस से बनाना शुरू करेंगे। हर चैन वन के स्पेस में हम इसी तरीके से बनाना है। तो मैं इसको लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने हर जो चैन वन का स्पेस था यहाँ पे मैंने वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो देखिए आपको लास्ट में ध्यान रखना है, ये हमारे एक स्टिच हमें दिख रहा है लेकिन यहाँ पे दो स्टिच हैं। एक तो हमारा ये वाला स्टिच, और जो हमने शुरू में चैन थ्री बनाई थी, ये देखिए यहाँ अलग दिख रहा है, इसके थर्ड वाली चैन में हमें वन डबल क्रोशिया बनाना है। और ऐसा हमें हर बार करना है, नहीं तो हमारा एक स्टिच कम हो जाएगा। तो जो हम शुरू में चैन वन बनाएंगे तो उसमें हर बार एक डबल क्रोशिया आपको बनाना ही है। ये देखिए, वापस से चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और इस तरफ पलट लेंगे। फिर यहाँ से हम वन डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ से बनाना है, यहाँ नहीं बनाना है, ये देखिए यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। और इसको, ये देखिए, चैन वन का जब स्पेस आएगा तो यहाँ पे हम लास्ट तक बनाने हैं, स्टिच हमें यहाँ तक बनाना है। चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही दोनों तरफ से यहाँ से बनाकर यहाँ पे आएंगे, और जो थ्री चैन बनाई थी उसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वापस से चैन थ्री बनाएंगे, फिर हम वापस इस तरफ आएंगे और फिर वापस इस तरफ। इसी तरीके से हमें बनाते जाना है, और इसका जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे बीच में वन डबल, यहाँ तक स्टिच बनाएंगे जहाँ तक स्टिच आएँ, फिर वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाना है हर चैन वन के स्पेस में। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे नाप बताऊँगी। तो ये देखिए, मैंने बना लिया है, और मैंने इसमें रो बनाई है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व रो बनाई है मैंने। अब देखिए हम नापते कैसे हैं, ये मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैंने इंटरनेट से ही सर्च किया है। तो अगर इसमें ऊपर नीचे होता है तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चा घर में है तो आप खुद ही नाप के बना सकते हैं। ये देखिए, इसकी होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर। ये देखिए, हम योग को नापते कैसे हैं, ये नापेंगे 15 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके से, और ये हमारा 11, इस तरीके से नापेंगे तो ये 11 सेंटीमीटर है करीब करीब, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये इस तरीके से 15 और इस तरीके से 11 होना चाहिए। और ये देखिए, ये जो चेस्ट हो रहा है इसका, ये हो रहा है 25 हो रहा है, हमें चाहिए 26 ही हो रहा है, थोड़ा सा कम है, देखिए बहुत हल्का सा कम है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी चेस्ट कम है, तो जब हम यहाँ इनको योग को जोड़ते हैं, देखिए आर्म होल को और चेस्ट को अलग अलग करते हैं, तो आप यहाँ पे दो चेन्स या थ्री चेन्स बना सकते हैं, जिससे ये यहाँ पे चेस्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थ्री ईयर के लिए था, अगर आप देखिए फोर या फाइव ईयर के लिए बना रहे हैं, तो ये जो देखिए, ये साइड का मैंने आपको बताया था योग को हमने, ये जो देखिए यहाँ पे ये जो जाली आ रही है इसको नापेंगे हम। तो ये देखिए, ये थ्री फोर और फाइव ईयर के लिए 16 सेंटीमीटर होगा, और ये जो चेस्ट होगा वो 27 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेवन और सिक्स और सेवन ईयर के लिए ये वाला हिस्सा, ये यही बता रही हूँ मैं आपको, 17 सेंटीमीटर होगा, और ये 28.50 मतलब एक सेंटीमीटर में आधा, 28 प्लस का आप आधा कर लेंगे, एक सेंटीमीटर का आधा, तो ये देखिए, ट्वेंटी एट सेंटीमीटर, और ये देखिए ये वाला जो निशान है ये 29,
ये वाला इतना होगा, ठीक है। और अगर आप 8 to 9 का बना रहे हैं, 8 और 9 का बना रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा 18 सेंटीमीटर होगा और ये 30 सेंटीमीटर होगा। और आप 10 और 11 का बना रहे हैं तो 19 सेंटीमीटर होगा ये वाला हिस्सा और ये 30.50 होगा, 31.50। और अगर 12 to 13 का बना रहे हैं तो ये 21 सेंटीमीटर होगा ये, और ये 33 होगा। और अगर आप 15 ईयर का बना रहे हैं तो ये 23 होगा, और ये जो चेस्ट है वो 35 होगी, और ये 16 ईयर के लिए ये 25 होगा, और ये 37 होगा। और ये जो एडल्ट है इसके आपको नापना पड़ेगा कि कितना चाहिए आपको, ठीक है। एडल्ट के लिए तो नापना ही पड़ेगा क्योंकि एडल्ट में हम कम ज़्यादा हो जाता है, तो फिक्स नहीं है इसका, लेकिन मैंने आपको 16 ईयर तक के बच्चों का बता दिया है। तो ये देखिए हमने ये इस तरीके से जब बनाया है, तो देखिए फ्रंट का हिस्सा कितना परफेक्ट आया है। ये देखिए अगर आप इस तरीके से अगर योग बनाते हैं तो आपकी कहीं गलती नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं कुछ चीज़ छोड़े नहीं, जैसे मैंने आपको बनाना बताया है वैसे ही बनाएंगे तो आपका योग परफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और तब भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, तो मैं वहाँ क्लियर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।